सो स्टूडेंट्स, अपनी जो थ्योरम थी उसी पर बेस्ड क्वेश्चन सामने आया आपके। कौन सी थ्योरम थी? एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थ्योरम है, ठीक है। क्वेश्चन पहला आपके सामने, पी क्यू इज दिस, पी क्यू इज टेंजेंट। चलो छोड़ो, क्या दिया है मुझे, साफ साफ दिख रहा है पी क्यू इज अ टेंजेंट। डी बी इज अ डायमीटर। डायमीटर इज वॉट विच पासिस थ्रू द सेंटर, जो पास करता है किससे, सेंटर से पास करता है। अब बात करते हैं पूछा क्या क्या है इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने पूछ दिया, सारे एंगल भी दे रखे हैं, एंगल ए डी बी दे रखा है 30 डिग्री, एंगल सी बी डी भी दे रखा है 60 डिग्री, बट क्वेश्चन इनकी क्या है। इन्होंने सबसे पहले आपसे पूछा है कैलकुलेट एंगल क्यू ए बी, ढूंढो बेटा क्यू ए बी, क्यू ए बी ये पूछ दिया। ये क्या है, दैट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉट। लो लग गई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, लग गई कि नहीं। एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग गया। देखो कैसे, सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन से पहले क्या क्या गिवेन है पहले वो लिख लेते हैं। वी हैव एंगल ए डी बी, ए डी बी इज इक्वल 30 डिग्री। अब देखो आप, आइए अब थ्योरम देखिए कैसे यूज होने जा रही है। एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड, ए बी इज ए कॉर्ड बेटा, है पता है। तो ये देखो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का जो एंगल है दैट इज हमें पता करना है, ये हमें पता नहीं है, तो यही निकालना है। अब हमें क्या पता है फ्रॉम द थ्योरम, देखो कैसे लग रही है थ्योरम, क्योंकि ये तो तुम्हारा क्या हो गया एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड। तो इसके रिस्पेक्ट में एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा होगा, पहले छोड़ो अल्टरनेट सेगमेंट बता दो, अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा होगा, इस साइड वाला होगा, ये पूरा अल्टरनेट सेगमेंट। तो एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा हो गया, यही हो गया। सीधा थ्योरम पे आओ, वी नो दैट एंगल बिटवीन, एंगल इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में लिख दें, एंगल बिटवीन, बिटवीन आप पूरा लिखना, मेरी तरीके से मत लिखना, एंगल बिटवीन द कॉर्ड द टेंजेंट एंड कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। समझ गए बच्चों, ये लो थ्योरम, ये रही थ्योरम आपकी। तो तुरंत लिख दो, ये एंगल क्यू ए बी, एंगल इन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड, तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड इज वॉट, सो देयर फॉर एंगल क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी यही तो पूछा है, एंगल क्यू ए बी सबसे पहले पूछा है, तो वही लिखना है एंगल क्यू ए बी इज इक्वल, सीधा आप लिख दो एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा हुआ, एंगल ए डी बी, ए डी बी। और बच्चों एंगल ए डी बी पहले ही पता है, वो तो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। ये लो, कोई लंबा प्रोसीजर नहीं, आंसर आपके सामने। चलो दूसरी चीज़ पे बात करते हैं, वो थोड़ा सा अलग हट गया, ठीक है। एंगल पी ए डी पूछ दिया इन्होंने, पी ए डी ढूंढो, अरे वाह ये भी तो वही है, ढूंढो बच्चों एंगल पी ए डी, पी ए डी ये भी तो ढूंढो, ये भी तो ढूंढो, अब ध्यान से देखना, ये भी तो एंगल किसके बीच का है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड, एंड कॉर्ड है बच्चों कि नहीं है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में अल्टरनेट सेगमेंट ये वाला हुआ, जो कि हमें पता ही नहीं है, हमें पता नहीं, तो सबसे पहले उसके बारे में सोचें कि ये एंगल कैसे निकाला जाए, ये इतना एंगल कैसे निकले, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, अगर ये आ जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात सुनो, डी बी इज डायमीटर, हमें थ्योरम पढ़ रखी है ना, एंगल इन अ सेमी सर्किल, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल, 90 डिग्री हुआ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वी आल्सो हैव एंगल इन अ, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं निकल रहा, ये है ही नहीं हमारे पास, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल, ठीक है, आ गया डी ए बी आ गया अपना, तो एंगल डी ए बी इज 90 डिग्री, आ गया बच्चों, आ गया 90 डिग्री। नाउ थिंक वी हैव ट्रायंगल डी ए बी, अब हमें ट्रायंगल मिल गया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, पहले स्पेस देख लें कहाँ पर बेटा स्पेस है हमारे पास, चलो अभी स्पेस है, सो बाय यूजिंग
एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी किस ट्रायंगल में लगा रहे हो? डी ए बी में, इन एंगल डी ए बी। क्लियर बच्चों? तो डी ए बी में जब आप लगाओगे तो क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल 180। सो दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री, ठीक है, प्लस दैट इज 90 डिग्री, ये भी पता है। प्लस ये नहीं पता क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत है, तभी तो आंसर आएगा। एंगल ए बी डी मुझे नहीं पता है, इज इक्वल 180, ठीक है बच्चों। 90 30 120, मुझे देखने दो कितना दिख रहा है, चलो दिख रहा है 120 डिग्री, प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल 180 डिग्री। चलो इधर कर देते हैं, तो बताओ एंगल ए बी डी कितने डिग्री का हो गया? एंगल ए बी डी इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 120, एंड दैट इज 60 डिग्री। आ गया बच्चों 60 डिग्री आ गया। ये देखना कितना गजब का, ये सारे एरो हटा देते हैं फिर तुम्हें दिखाते हैं, ठीक है, 60 डिग्री आ गया। अब सुनो टास्क क्या था, एंगल पी ए डी। तो थ्योरम तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बार बार लिखना नहीं है आपको, सीधा लिख देना बाय अल्टरनेट सेगमेंट, या इसको स्टेटमेंट कोई ले लेना फ्रॉम द एबव स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट का नंबर और डाल देना अगर तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि एक ही क्वेश्चन में दो दो बार सेम थ्योरम यूज हो जाए, ठीक है, बट यहाँ पर हो रही है तो आप लिख सकते हो। इसका तो नाम पता है हमें, या इसको स्टेटमेंट ही ले लो आप, ठीक है, फ्रॉम द एबव स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हो, कभी इक्वेशन टाइप का नहीं ले कभी नहीं लोगे, या ऐसे भी लिख सकते हो बाय अल्टरनेट सेगमेंट, बाय अल्टरनेट, क्योंकि इस थ्योरम का नाम ही अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, सेगमेंट थ्योरम क्या थी बच्चों? एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड, एंगल बिटवीन द टेंजेंट, तो टेंजेंट तो हमारी पी ए हो गई और कॉर्ड क्या है ए डी, तो इसको लिख देते हैं एंगल पी ए डी, ही पूछ भी रहे हैं ये, तो एंगल पी ए डी इज इक्वल एंगल कितना हो जाएगा इसका, इसके रिस्पेक्ट में अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा हुआ, ये हुआ ना, यही तो हुआ एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, तो कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री, या लिख सकते हो एंगल ए बी डी एंड दैट इज 60 डिग्री। दो आंसर आ गए, ये भी क्लियर। अब लास्ट पूछ दिया इन्होंने सी डी बी, बच्चों ये बताओ, ये तुम्हें खुद से करना है। अब ये देखना, जब ये फिर से वही चीज़, ये डायमीटर है तो ये कितने डिग्री का एंगल हुआ, फिर से वही थ्योरम, एक ही साथ वही चीज़ यूज हो रही, तो कहाँ पर इतने में चलो कर देते हैं, इतने स्पेस में करेंगे, ठीक है। तो अगेन इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ले लो सी डी बी, पहले लिख लो सी डी बी, सी डी बी एंगल इन अ सेमी सर्किल इज, एंगल इन अ सेमी सर्किल सर्किल इज राइट एंगल, ओके राइट एंगल हो गया। तो बच्चों ये बताओ एंगल डी सी बी कितना आ गया, सो एंगल डी सी बी इज 90 डिग्री। इन्होंने सी डी बी पूछ दिया आपसे, ये वाला एंगल पूछ रहे हैं आपकी बार, ये वाला, ये एंगल कितने डिग्री का है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, तो अप्लाई बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी किस ट्रायंगल में लगा रहे हो, नाम लिख दो, इन ट्रायंगल सी डी बी, सी डी बी सीधा एंगल निकालने 90 60 150, बताओ ये कितने डिग्री, 30 डिग्री का हुआ। चलो तो चलो लिख देते हैं 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल जो पूछा गया है दैट इज सी डी बी इज इक्वल 180 डिग्री। सो एंगल सी डी बी इज 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री, ओके दैट्स इट।